कोडेक्स इजिप्शियन माइथोलॉजी पर बेस्ड ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में प्रिजर्व की हुई है। ये किताब नए नए रिचुअल्स को बताती है, जैसे एक सोल से दूसरे सोल को लेना, एक सोल के ट्रांसफ़र के बाद कैसे किसी की जान लेना, कैसे किसी के अंदर जान डालना, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स हैं। इस किताब में शैतान को बुलाया गया है। सिर्फ वही नहीं, शैतान की एक ऐसी पिक्चर बनाई गई है जो बाकी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हर किताब में चित्रकार ने उसे अपनी कल्पना से बनाया है। पर कोडेक्स ही एक ऐसी किताब है जिसमें चित्रकार ने खुद डेविल को अपने सामने बिठाकर उसका चित्र बनाया था, इसीलिए इसका महत्व आज भी इतना ही ज़्यादा है। इसीलिए आज हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए और बताइए। संडे के दिन कौन फोन कर रहा है भाई? हेलो हेलो हाँ हेलो समीर को बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं थाना से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ा मिल रहा था। अच्छा क्यों सर? एक केस के सिलसिले में मैं अपने घर के बाहर हूँ, थोड़ा दरवाजा खोलेंगे क्या? अच्छा आ रहा हूँ सर। समीर घोष? हाँ सर, आइए सर आइए। एक बात था आपके साथ। हाँ बोलिए। आपका दो दोस्त थे, विशाल अनिर्बान, जो कालीघाट में रहता था, कालीघाट में एक फ्लैट में रहता था, दोनों पता है आपको? विशाल और अनिर्बान का तो बहुत पहले से मेरे साथ बात नहीं होता है, दोस्तों था मेरा ऐसा तो है, क्या हुआ लोगों? वो कालीघाट के फ्लैट में कल रात में उस दोनों का देहांत हो गया। क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है? यही केस है, इसके लिए आपके साथ कुछ बात करना था, अगर आप कोऑर्डिनेट कर ले हम लोगों के साथ तो थोड़ा अच्छा। मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा साथ बात नहीं हुआ कम से कम एक साल डेढ़ साल हो गया, वो दोनों से बात नहीं हुआ मेरा। आप लोग लास्ट मिले थे कहाँ? वही डेढ़ साल पहले रास्ते में मुलाकात हो गया था, दो लोग जा रहे थे तो मुलाकात हो गया था। अच्छा। एक्चुअली वो दोनों कुछ काला जादू का रिचुअल्स करते वक्त मारा गया। आपको पता है ये काला जादू के बारे में? हम लोग जो काला जादू कर रहा है। काला जादू नहीं, कभी तो ये सब मैंने तो सुना नहीं कभी, उन लोगों के साथ जब था तब तो ये सब का कोई जिक्र नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ है, उन लोगों का फ्लैट में हम लोग ऐसा ही कुछ मिला हम लोगों को, ठीक है? तो अगर आप कल हम लोगों के साथ थोड़ा फ्लैट में जा सके तो अच्छा होता, क्योंकि आपका दोस्त है ना, तो हम लोगों से ज़्यादा आप हम लोग से ज़्यादा पहचान थे, वो क्या कर रहे थे क्या कुछ नहीं, तो अगर आप जाते थे तो थोड़ा हेल्प होता, इसीलिए आपके पास आना। देखिए जैसे मैं बोला, वो लोगों के साथ तो मेरा कुछ कनेक्शन है नहीं, अभी पता नहीं मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा आपको। नहीं मुझे पता है कि आप बहुत दिन पहले मुलाकात हुआ था, उन लोगों से बात होता था पहले, फिर भी आपका दोस्त था इसीलिए आना पड़ा आपके पास। ठीक है आप बोल रहे तो चलेंगे कल। ठीक है, मैं टाइम और मेनू में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक है, आप बता दीजिएगा मैं चला आऊँगा। Thank you.
भाई मेरा टी शर्ट कहाँ है? उधर ही है देखने। अरे कौन सा कलर का टी शर्ट पहन रहे हैं? वो ब्लू वाला। मेरा सनग्लास लेके जा भाई। हाँ ठीक है। अरे आज पार्टी होगा ना? हाँ वो तो होगा ही। भाई साहब बीपी के अलावा मैं कुछ नहीं पीऊंगा। पसीना आ गया? वो कुछ नहीं सर। ठीक है सर, आओ बैठो। तो ठीक है आप अभी? ठीक है सर, अभी ठीक है। तो बात कर सकते हैं? हाँ सिलसिले में बिल्कुल सर। तो हम लोग जब आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, और दोनों का बॉडी इधर पड़ा हुआ था। अभी कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। दोनों का रिस्ट कटा हुआ था, ब्लड था। हम लोग ये जो केस है थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई मार्क वगैरह नहीं है, ठीक है। पोस्टमार्टम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे बुक पड़ा हुआ था, क्या नाम था बुक का? वो याद नहीं आ रहा है क्या नाम का। कोडेक्स। ये क्या है? क्या है कोडेक्स? मैं बताता हूँ क्या है कोडेक्स। कोडेक्स एक इजिप्शियन माइथोलॉजिकल बुक है। वहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स लिखे हुए हैं और एक रिचुअल उनमें से एक ये भी है कि उस बुक रिचुअल्स में से सोल टू सोल ट्रांसफर होता है। वर्ल्ड में एक ही बुक है जिसमें वो रिचुअल लिखा हुआ है। और आप जब बोले ना ये ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं होगा, पेंटाग्राम होगा। वो रिचुअल करने के लिए एक पेंटाग्राम चाहिए होता है और उसके लिए चाहिए होता है तीन लोग, और वो तीन लोग बैठ के अपना हाथ पकड़ के मंत्र जाप करके शैतान को बुलाते हैं, लूसीफर, और साथ में बुलाते हैं एक डायन को। जब वो लोग सब आ जाते हैं, पांच लोग अपने अपने हाथ पकड़ के अपना नस काटते हैं। उसके बाद जो खून निकलता है वो खून पेंटाग्राम में आता है, उसके बाद होता है सोल ट्रांसफर। ऐसे नहीं होता है सर। समझ में तो आया, मगर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको कैसे पता चला इतना ये पेंटागन के बारे में। सर ये बुक मैंने पढ़ा था, कोडेक्स, वहां पे सब रिचुअल लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप आ जाइए, बैठ जाइए। और एक बात बताइए कि अपने अभी अभी जिक्र किया बात के बीच में कि यहाँ पे तीन आदमी लगता था, तो यहाँ पे तो दोनों का डेड बॉडी था, तीसरा का याद नहीं है ना? सर क्या बोल रहे आप? सर मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट डेढ़ दो साल से वो लोग के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। इनफैक्ट तो मुझे तो ये फ्लैट भी नहीं पता है कि वो लोग ये फ्लैट में रहते हैं। और आपको आप कैसे पहचानते हैं ये लोग? सर एक्चुअली हम लोग बचपन से अनाथालय में पले बड़े हैं तीनों लोग। बहुत अच्छा दोस्ती था हम तीनों का, वहाँ से ही पढ़ाई किए, वहाँ से कॉलेज किए, फिर कॉलेज के बाद अपने अपने प्रोफेशन में जुट गए। पहले एक दो साल सर साथ में ही रहते थे तीनों लोग, फिर वो होता है सर पर्सनल लाइफ अलग हो जाता है किसी किसी का, तो उसके बाद साथ छूट गया। फिर लास्ट डेढ़ दो साल से तो कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा सर उन लोगों के साथ। ठीक है ठीक है, समझ गया। अब देखिए तो आप इसको पहचानते? ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे ऐसा दिखता है। तो देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं समीर घोष हूं। तू अनिर्वाण है, अनिर्वाण भट्टाचार्य। एक साल पहले बीमारी से भुगत रहा था तू, इतने दिन डिप्रेशन में था, पता नहीं कहां से एक कोडेक्स का या कौन सा बुक लेके आया। तब तेरे साथ हम लोग खड़े थे, तुझे एक रिचुअल करना था, तुझको ये मानना था कि कोई एक सोल ट्रांसफर या ऐसा कुछ होता है,
रिचुअल से। फिर भी हम लोग पीछे नहीं गए, हम लोग तेरे साथ खड़े रहे, तेरे साथ वो रिचुअल करने के लिए बैठे। और उसके बाद तुझे लगा कि रिचुअल सफल हो गया, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद तू तो गायब ही हो गया। 2 महीने पहले मुझे पता चला कि तू समीर घोष नाम से कोई कहीं पे रह रहा है। तब जाके मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब आप बताइए इसे। सुनो, तुम मेरी बात सुनो, वो जो बोल रहा है तुम्हारा दोस्त वो सही बोल रहा है। तुम समीर घोष नहीं हो, तुम अनिर्वाण भट्टाचार्य हो, ठीक है। तुम्हारा एक बीमारी है, तुम्हारा नर्व में कुछ दर्द होता था बहुत, इसीलिए तुम लोग आए थे हम लोगों के पास और मैं उससे मिला था। तुम्हारे बारे में सब पढ़ा मैंने, मैं तुम्हारा केस हिस्ट्री पूरा जानता हूँ और तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारा जो रिचुअल्स है, ये सोल ट्रांसफर, ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें जस्ट तुम्हारा एक बीमारी है, ठीक है। और ये बात भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तुम्हारा ये जो वहम है, ये इसके लिए मैं इंस्पेक्टर बन के तुम्हारे पास गया था और तुम्हें यह लेके आया यही समझाने के लिए कि तुम अनिर्वाण भट्टाचार्य हो, तुम समीर घोष नहीं हो। क्या बोल रहा? मैं अनिर्वाण हूं? हो ही नहीं सकता है। मैं समीर हूं, समीर, मैं समीर हूं, मैं समीर हूं। ओ, तू अनिर्वाण नहीं है? तो बता क्यों नहीं है तेरे घर पे आईना? क्यों नहीं रखता तू स्मार्टफोन? क्योंकि तुझे डर है, तू आईना देख लेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तू समीर नहीं है, अनिर्वाण है। और ये देख, ये क्या हो गया मुझे? मैं पूरा अनिर्वाण के साथ क्यों दिख रहा हूं? डॉक्टर साहब, ये मुझे क्या हो गया है? तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं नहीं, मैं समीर हूं, मैं अनिर्वाण नहीं हूं। यही बीमारी है, यही भय है तुम्हारे। नहीं नहीं, रिलैक्स, कोडेक्स गलत नहीं हो सकता है। ठीक है तुम रिलैक्स। नहीं, तुम नहीं, कोडेक्स गलत नहीं हो सकता है, रिलैक्स हो जाओ। मैं समीर हूं, मैं समीर हूं। सही कहा, कोडेक्स गलत नहीं हो सकता। उस दिन सोल तो ट्रांसफ़र हुआ था, पर किसका और किसके साथ?